रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये होता क्या, देखो, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय चेंजिंग एक्स इनटू वन अपॉन एक्स इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या, देखो, जब किसी इक्वेशन को हम लोग एक्स को वन अपॉन एक्स से जब रिप्लेस करेंगे, अगर वो अनचेंज्ड रहा, अनअल्टर्ड का मतलब होता है अनचेंज्ड, अगर वो रिमेन अगर तुम्हारा वही का वही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन। जैसे आपको यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व 6x5 - 41x4 + 97x³ - 97x² + 41x + - 6 = 0 आपको यहाँ पे दिया, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू को, है ना, देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को मैं अगर 1 रखूँगा मैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला, देखो पहली बात तो ये तुम्हारा क्या है, एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ठीक है। अब उसको सॉल्व कैसे करें, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स के कितने रूट्स होंगे, 5 रूट्स होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे कितने रूट्स होंगे, यहाँ पे 5 रूट्स होंगे, जिसमें से एक आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, इसको आप अगर एक्स के जगह पे 1 पुट करोगे तो देखो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला -41 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब क्या है, पहला वाला आपको जो रूट होगा तुम्हारा क्या होगा, वो एक्स इक्वल्स टू 1 होगा। वैसे ही अगर आपके पास कोई दिया हुआ है, कोई और इक्वेशन दिया जो कि रेसिप्रोकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, और यहाँ पे मान लो तुम्हारा क्या दिया, पॉजिटिव दिया है, यहाँ भी तुमको पॉजिटिव दिया है, यहाँ भी तुमको पॉजिटिव दिया है, तो उस केस हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को रखेंगे अपन -1। तो एक्स की वैल्यू जब तुम्हारा -1 हो जाएगी, तो जब आप वैल्यू को यहाँ पर रखोगे वो भी जितना आपस में कैंसिल हो जाएगा आपस में, और तुम्हारा क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला रूट आपका होगा वो या तो x इक्वल्स टू 1 होगा या फिर x इक्वल्स टू -1 होगा, वो आपको इक्वेशन देखे जज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे तुम्हारा 1 जब आप यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस करोगे तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन में, दिस इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री विथ अपोजिट साइन। अब इसको ऐसे मैंने क्यों लिखा, बिकॉज देखो यहाँ पे जो डिग्री है वो तुम्हारा क्या, ऑड है, ठीक है। मतलब क्या है, इवन के लिए एक नया लॉजिक आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या लिखा है, अपोजिट साइन इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे देखो तुम्हारा 6 पॉजिटिव में है, यहाँ 6 तुम्हारा किस में, नेगेटिव है, तो ऐसे केस में साइंस, ओके। तो ऐसे केस में तुम्हारा पहला रूट क्या होगा, 1 होगा। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 1 इज द रूट, ठीक है। आपका एक रूट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब एक्स इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मतलब क्या बताओ, अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा पता है, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, डिवाइडिंग द LHS by LHS मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड, LHS by x माइनस 1, ओके। द गिवन इक्वेशन रिड्यूसेस टू। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, आपको एक्स के लिए कितनी 1 दी है कि नहीं आपने, तो यहाँ पे रखो 1, इसको ऐसा कर दो, हो गया। अब यहाँ पे रखोगे इसको, दैट इज 6 - 41, फिर यहाँ पे आएगा 97, फिर -97, फिर +41, फिर यहाँ पे -6। अब उसको डिवाइड करो, पहले बताओ क्या करोगे यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ बताओ तुम्हारा क्या होगा, इसको आप पहले नीचे में दे दो, ठीक है। अब देखो यहाँ तुम्हारा क्या होगा, 6 आएगा, तो 6 × 1 = 6। इसको सॉल्व करो, दिस इज -35, -35 × 1 = -35। इसको सॉल्व करो, दिस इज 62 × 1 = 62। इसको अगेन सॉल्व करो, दिस इज -35, ठीक है। इसको इसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो -35, दिस इज 6। अब 6 × 1 = 6, दैट इज यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो इक्वेशन फॉर्म करेगा उसका पावर तुम्हारा क्या होगा, 4 होगा। ये तुम्हारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, इसका पावर क्या होगा, 1 होगा। x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, x पावर 4। तो यहाँ पे तुम लिखोगे द इक्वेशन फॉर्म, क्या बताओ,
सिक्स एक्स पावर फोर माइनस 35 एक्स क्यूब प्लस 62 एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। एक्स के पावर फोर आने के बाद आपको जो टेक्निक यूज़ करना है वो क्या है, देखो आपका नाउ डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। हम हमेशा क्या करेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर से इसको ऊपर डिवाइड कर लेंगे। तो देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिक्स कॉमन, देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स प्लस 62 माइनस 35 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे 6 कॉमन है, देखो तो यहाँ पे निकालो बाहर इससे 6, यहाँ देखो तुम्हारा क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो तुम्हारा क्या कॉमन निकलेगा, माइनस 35 कॉमन निकलेगा, माइनस 35 यहाँ तुम्हारा जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ देखो तुम्हारा क्या जाएगा प्लस 62 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो इसको मैं क्या मानता हूँ, पुट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई। तो बताओ तुम्हें क्या हो जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग दिस यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसको आप एक बार स्क्वायरिंग कर लेना, आप देखना आपके पास सही वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसके जगह पर रखूँगा वाई और इसके जगह पर रखूँगा मैं वाई स्क्वायर माइनस 2। देयरफॉर देखो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सिक्स वाई स्क्वायर माइनस टू फिर माइनस 35 वाई प्लस 62 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको अगेन सॉल्व करो, यू विल गेट सिक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, सिक्स वाई स्क्वायर माइनस 35 वाई प्लस 50 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट वाई इक्वल्स टू, ऑन सॉल्विंग दैट इक्वेशन यू विल गेट वाई इक्वल्स टू 10 अपॉन 3 एंड 5 अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू होता है आपकी, वाई की वैल्यू है, बट वी नो दैट वाई तुम्हारा क्या है, वाई इज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे रखो दिस इज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, एक वाई को यहाँ पे रखोगे दूसरे वाले वाई को वहाँ पे रखो, तो दिस इज 10 अपॉन 3 एंड दूसरा पे यहाँ रख लो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 बाई 2। यहाँ पे तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा, कौन सा फॉर्म करेगा, वहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 एंड 3। वैसे इसको आप सॉल्व करोगे विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन विल गेट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 कॉमा 2। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा दो निकल गए, यहाँ पे तुम्हारा दो निकल गया है और एक ऑलरेडी